हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मीशू फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो इस वीडियो में इंटरव्यूअर्स के आधार पर है, क्योंकि जो पिछले इंटरव्यूअर्स थे जिन्होंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, उन्होंने ये बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कुछ छोटी सी चीज़ भी है जो कि पूछ ली जाती है, जो बेसिक होता है हम लोग की लाइफ में, यानी हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि भाषा क्या है और ये किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है, और जो भारतीय विद्वान हैं भाषा के बारे में क्या क्या उदाहरण दिए हैं, भाषा के बारे में क्या क्या कहा है। मुख्य मुख्य विद्वान हैं जैसे कि पतंजलि हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भाषा के बारे में क्या कहा है, और सुकुमार सेन जी ने भाषा के बारे में क्या परिभाषा दी है, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहा है भाषा के को लेके। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, मन में बैठा लेते हैं या ध्यान में रख लेते हैं, तो इंटरव्यू में ये जो सवाल है वो आसानी से दे सकेंगे। हालांकि जवाब होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर हम क्लियर किए रहते हैं पहले से ही और वो कन्फर्म रहता है तो उसको बताने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा जो है वो शब्द संस्कृत भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भास व्यक्त्याम वाची, यानी कि व्यक्तवाणी, भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, यानी कि भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। आइए जानते हैं भारतीय विद्वान के बारे में कि भाषा के बारे में इन्होंने क्या क्या परिभाषा दी है। सबसे पहले बात आती है पतंजलि जी की, जिन्होंने कहा है कि व्यक्तावाची वर्णा ऐसा तई में व्यक्तावाचा, यानी कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये कहते हैं पतंजलि जी, क्योंकि हम जो वर्णों में व्यक्त करते हैं या फिर अपनी बातों को जिस तरीके से कहते हैं, वो जो वर्णों के तहत जो व्यक्त होता है उसे भाषा कहते हैं, ऐसा कहते हैं पतंजलि जी। अब बात आती है कामता प्रसाद गुरु जी की, जिन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप अस्पष्टता समझ सकते हैं। ये परिभाषा दी है कामता प्रसाद गुरु जी ने, जिसका अर्थ यह निकलता है कि भाषा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और सेम कंडीशन में उनकी भाषा को समझ भी लेता है। तो ये कहा है कामता प्रसाद गुरु जी ने। जो थर्ड नंबर पे आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, जिन्होंने दी है भाषा की परिभाषा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, एक बार फिर से सुन लिए, कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। एक और जो विद्वान है, भारतीय विद्वान है, वो कहते हैं भाषा के बारे में कि अर्थवान कठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यानी कि अर्थ में जो कंठ से निकला हुआ जो ध्वनि समष्टि, यानी कि जो भी वर्ण इकाई है वो भाषा है। तो इनकी परिभाषा इस प्रकार हो गई, जैसे कि अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, ऐसा कहना सुकुमार सेन जी का। अब आते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी बोलते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारतीय विद्वान जिन्होंने भाषा के बारे में अपनी परिभाषा दी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, और इसको कंप्लीट करना आपकी प्राथमिकता बनती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
और भी विदेशी विद्वानों को जिन्होंने भाषा की परिभाषा दी है उनके लिए भी एक अलग वीडियो बन के जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।